नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू यू नो स्टे फोकस्ड और यू नो हाउ टू कंसंट्रेट एट योर वर्क प्लेस। सो दोस्तों, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आपको करने में मज़ा आता है, लेकिन फिर भी आप उसको अपना 100% नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट फोकस्ड एट वॉट यू आर डूइंग। प्रोबेबली यू लव वॉट यू आर डूइंग, यू लाइक वॉट यू आर डूइंग, बट यू आर नॉट फोकस्ड एट वॉट यू आर डूइंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें वर्क प्लेस पे कैसे हमारा फोकस, कैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करना है। सो दोस्तों, इफ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग एट योर वर्क प्लेस, सबसे पहले वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि यू हैड अ बैड डे एट योर होम एंड वो थॉट्स या वो थॉट प्रोसेस लेके आप काम के लिए जाते हैं, या बेसिक सी चीज़ है कि आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते हैं या फेसबुक पे नोटिफिकेशन आते हैं और आपको आदत है कि जब भी वो टिंग वजह आप तुरंत चेक कर लेते हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये हो सकता है कि आपने शाम के वक्त कुछ और प्लान किया हो जिसकी वजह से आप पूरा दिन अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, सबके ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो दोस्तों, इफ़ यू वॉन्ट टू फोकस, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस जो आपके प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो आपके कॉन्सेंट्रेशन पे अफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो कि आपके फोकस होने पे अफेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, यू नीड टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सेकेंडली दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। व्हाट आई मीन व्हेन आई से प्रायोरिटाइज योर टास्क इज सिंपल दैट अगर आपको लगता है कि आपको एक दिन में कुछ मेजर काम है, कुछ माइनर काम है, कुछ टास्क है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वॉट यू नीड टू डू इज एक रात पहले, नेवर डू इट ऑन द डे व्हेन यू हैव टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द टास्क, बिकॉज देन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग एंड उससे आपके प्रोडक्टिविटी, आपके फोकस पे इम्पैक्ट होता है। सो वॉट यू नीड टू डू इज एक रात पहले ही यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू रैंक योर टास्क कि ये भाई सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, वो इतना समय लेगा या उसको इतना समय लगेगा। And then what you need to do is you need to try and अपने दिन के first half में you need to compulsory, adamantly complete that task. अब जो बचा हुआ आधा दिन है काम का, उसमें जो less difficult task है या medium difficulty वाले task है वो आपको ख़त्म करने हैं। अब दोस्तों, जब आप दिन के शुरुआत में ही सबसे important task जो आपका है वो ख़त्म कर लेंगे, तो second half में आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा विच विल हेल्प यू इवन इफ यू आर अ लिटिल टायर्ड, विच विल हेल्प यू टू कल्मिनेट और फिनिश अप द अदर टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सो दोस्तों, यू नीड टू प्रायोरिटाइज और उसके हिसाब से आपको जो टास्क है उस पर्टिकुलर दिन के वो ख़त्म करने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। व्हाट आई मीन बाय when I say train your mind is दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत बहुत विभिन्न प्रकार की distractions बोलो या चीज़ें होती रहती है। सो हमारे आस पड़ोस में, अगल बगल में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हो जो कि इंटरेस्टिंग हो या जो कि जिसमें आप रुचि रखते हो, बट स्टिल दोस्तों, यू नीड टू ट्रेन योर माइंड दैट यू नीड टू कम्प्लीट द टास्क दैट यू डिसाइडेड। यू नीड टू स्टिक टू द टास्क दैट यू डिसाइडेड फॉर द डे and once those tasks are done, then and then only you move to the next thing that you have to do or whatever your distraction is. So you need to train your mind properly. Also dosto, iske sath if possible try and sit at a quieter place, create that zone, create that space jisme aapko pata hai ki aapko ye particular kaam khatam karne hain. So dosto, it is very important that you train your mind well and well in advance to carry out those tasks just the way you've planned. Now dosto, if you've made a plan, it is very important to stick to that plan. You have to make sure ki agar aapne decide kiya hai ki is din mein, is particular samay mein agar aapko ye kaam khatam karne hain, to dosto come what may,
आप वो जो भी टास्क है वो उतने समय में खत्म करेंगे ही. यू हैव टू स्टिक टू योर शेड्यूल. तो उससे क्या होगा, आपका एक यू नो एक फ्लो में आपका काम होते जाएगा और धीरे 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 यू नो व्हेन यू डू इट ट्वाइस थ्राइस यू नो फोर टाइम्स धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू यू नो डीलिंग विद दैट शेड्यूल और यू नो डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल. गाइज प्लीज टेक ब्रेक्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बर्न आउट जो ये एक इशू है इट इज़ वेरी कॉमन. यू नो वो चाहे आपका बिजनेस हो या आप कॉर्पोरेट कल्चर में हो यू नो यू पुट इन सो मच दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक यू आर बर्निंग आउट. सो दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स. ये ब्रेक्स यू नो छोटे ब्रेक्स भी हो सकते हैं जैसे यू नो चाय या पानी या यू नो यू जस्ट गो वॉकिंग अराउंड ऐसा वाला ब्रेक. ये ब्रेक्स जो है वो लॉन्ग भी हो सकता है जैसे आप एक आध वीकेंड बाहर चले गए यू नो तीन चार महीने में यू गेट सम फ्रेश एयर एंड दैट मेक्स यू फील गुड. सो दोस्तों हाउ टू टेक ब्रेक्स पे हमने एक वीडियो बना रखा है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट यू नो हाउ टू टेक ब्रेक्स एंड यू नो हाउ टू चैनलाइज योर यू नो दैट पार्ट ऑफ एनर्जी यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो. बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक्स लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वैन यू कम बैक फ्रॉम दोज ब्रेक्स यू नो यू आर मोटिवेटेड यू आर रिजुविनेटेड यू फील मच 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 बेटर अबाउट योर सेल्फ. सो दोस्तों ब्रेक्स लीजिए टू अवॉइड बर्न आउट. नेक्स्ट दोस्तों ट्राई एंड मेडिटेट ट्राई एंड यू नो डू गेट सम एक्सरसाइज क्योंकि आप जब मेडिटेट करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है. जब आप एक्सरसाइज करते हैं यू नो तो यू स्वेट आउट यू नो एंड यू रिलीज ऑल दोज टॉक्सिन्स एंड यू नो देर इज अ फ्लश ऑफ यू नो गुड हार्मोन्स. सो मुझे ऐसे लगता है कि यू नो एक्सरसाइज करना मेडिटेट करना इसको जिंदगी का हिस्सा बना दीजिए. मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि यू नो आपको ओम बोलना है ऐसा कुछ. यू नो जस्ट शून्य में जाइए जस्ट ऐसे एक स्टेट में जाइए जहाँ से आप किसी भी चीज़ को ना सोचे या किसी भी चीज़ को यू नो समझने की कोशिश ना करे. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग यू नो एंड बी ग्रेटफुल टू यू नो द गॉड ऑलमाइटी फॉर यू नो गिविंग यू सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. गेट सम ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ. सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू नो इट कम्स टू कॉन्सेंट्रेटिंग और फोकसिंग ऑन समथिंग दैट विल श्योरली इंक्रीज योर यू नो द अबिलिटी दैट यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग. एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैव अ गुड नाइट स्लीप. मुझे ऐसा लगता है स्लीप जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये एक ऐसा एरिया है जिसको हम बहुत ज़्यादा टेक फॉर ग्रांटेड यू नो लेते हैं. पर मुझे ऐसे लगता है व्हेन यू स्लीप एंड यू स्लीप वेल सो यू नो मुझे ऐसे लगता है कि आप फ्रेश माइंड के साथ उठते हो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है यू हैव अ फ्लश ऑफ गुड हार्मोन्स एंड यू फील नाइस अबाउट एवरीथिंग. एंड मुझे लगता है वो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको सिर्फ स्लीप ही दे सकती है. सो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much. God bless you all.